हेलो फ्रेंड्स, शीलास फूडशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी गाजर मूली बीटरूट का अचार। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए घंटी जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने मीडियम साइज की दो गाजर ली है, दो मूली ली है मीडियम साइज की और एक बीटरूट ली है। मैंने इन तीनों चीजों को साफ पानी से धो लिया है जो इसके ऊपर मिट्टी और गंदगी लगी हुई निकल जाए। आप इसे कोई भी कॉटन कपड़े से पोंछ ले ताकि इसमें बिल्कुल पानी न। मूली के छिलके पीलर की सहायता से उतार ले। इस तरह से पूरे छिलके उतार ले, गाजर के भी छिलके उतार ले, बीटरूट के भी छिलके उतार ले। मैंने ये सारी चीजों के छिलके उतार लिए हैं। इसके नीचे का पोर्शन इस तरह से कट कर दे और ऊपर का भी पोर्शन इस तरह से कट कर ले। और बड़े बड़े साइज पीस कर ले। इसके 6 पीस किए हैं। गाजर के भी इसी तरह से आप पीस कर ले। बीटरूट के भी इसी तरह से पीस कर ले। सबके मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। इसमें अब मसाला डालेंगे। 2 टीस्पून नमक, अचार में थोड़ा सा नमक ज्यादा डालिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हमारे गाजर मूली व बीटरूट में नमक और हल्दी अच्छे से लग जाए। टीस्पून कलौंजी, 2 पिंच हींग, 1 टीस्पून पीली सरसों, सौंफ 1 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 3 टीस्पून, सरसों का तेल 2 टेबलस्पून। मैंने ये एक नींबू लिया है, इसका जूस निकाल ले और इसमें डाल दे। ये अचार आप 1 हफ्ते तक बाहर रख सकते हैं और आपको ज्यादा टाइम तक स्टोर करना है तो आप इसे फ्रिज में ही रखें। हमारा अचार तैयार हो चुका है। अचार को एक कंटेनर में डाल देंगे। आप कोई भी कंटेनर में डाल सकते हैं। जार के ढक्कन लगा दे हमारा अचार तैयार है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।